डू दिस वन. इसमें क्या है, अ मैन ट्रैवल 12 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड फर्दर 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. वट वॉज इज एवरेज स्पीड, आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है. ओके अब इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड. अब आपको मालूम होना चाहिए दैट एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना. यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, और इसमें इट इज़ नॉट अ टू इक्वल पार्ट्स वाला नहीं है ये, नहीं तो 2xy/(x+y) हम लोग डायरेक्टली लगाते. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन. ये तो बहुत आसान है, अ मैन ट्रैवल 12 किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ से सपोज ए से इस पॉइंट से स्टार्ट करी जर्नी, और पॉइंट बी ये कितना है, ये 12 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी थी यहाँ पर, 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और उसके बाद फर्दर 10 किलोमीटर, बी से सपोज 10 किलोमीटर और, ये पॉइंट सी है और दिस इज 10 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो दो अलग अलग स्पीड्स हैं, 5 एंड 4. ठीक है, तो इसको जो बच्चे 5 5+4/2 कर रहे हैं ना, ठीक है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. तो जितने बच्चे 4.5 4.5 आंसर दे रहे थे, ठीक है, ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जो 4.5 आंसर दे रहे हैं, दे आर डूइंग ब्लंडर. ठीक है, ध्यान रखना कि यू कैन नॉट ऐड, आप इस तरीके से इसको डायरेक्टली ऐड करके अपॉन टू नहीं कर सकते. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू. ठीक है, बच्चे कह रहे हैं भव्य राजपूत यू आर ऑल्सो गिविंग 4.5 यार, व्हाट इज दिस. अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अब यहाँ पर क्योंकि अच्छा ए टू बी वाली जर्नी का टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं, डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमें पता है. तो अगर मैं T1 की बात करूँ, टाइम वन ए टू बी ट्रैवल करने के लिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस विल बी 12/4, सो इट विल गोइंग टू गिव यू 3 आवर्स. और अगर मैं T2 निकालूँ बी टू सी के लिए, सो अगेन टाइम विल बी नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10/5, इट विल गोइंग टू गिव यू 2 आवर्स. ठीक है, तो जब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 12+10. ठीक है, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है और फिर 10 किलोमीटर है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं. ठीक है, मैं आपके लिए इसको इस तरीके से लिखता हूँ दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, D1+D2 इज इक्वल टू टोटल टाइम, T1+T2. ओके, इस तरीके से लिख लेता हूँ. अब हम वैल्यूज़ रख लेते हैं, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 12+10 अपॉन टाइम, कितना है टाइम है 3+2, एक 3 आ रहा है एक 2 आया है, तो कितना जाएगा ये, दिस विल गोइंग टू गिव यू 22/5, सो इट विल गोइंग टू गिव यू 4.4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो यू शुड नो दिस फैक्ट दैट एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, हाँ, इट विल गोइंग टू बी 4.4 4.4. महादेव, इज इट क्लियर, डायरेक्टली फॉर्मूला वी हैव यूज. तो जिन बच्चों को याद आया, नाउ दे हैव गिवन द राइट आंसर.